अमरोहा जिले के कुबी गांव के लोग लगभग 2 महीने से धरने पर बैठे हुए थे और प्रशासन की ओर से उनकी मांगों को ना सुने जाने से वो खासा नाराज थे। दरअसल ये सभी गांव वाले 2012 में सरकार की तरफ से अधिग्रहित जमीन पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इन सभी गांव वालों का कहना था कि 2012 में जो उनसे जमीनें ली गई थी उसका पैसा अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है और साथ ही उस समय के बाद से जमीन की दर 4 गुना बढ़ गई है, तो मुआवजा पहले वाली तय रकम पर दिया जाएगा या फिर नई दरों के हिसाब से दिया जाएगा, इस बात को भी लेकर ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। किसानों की इन सभी मांगों को सुनने के लिए और प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए विधायक संगीता चौहान धरना स्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने किसानों को जूस पिलाकर धरना खत्म करवाया और उनकी सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। ऐसा किसानों की 2012 में जमीन का अधिग्रहण हुआ था, उन्हें पैसा नहीं दिया गया था उस वक्त, तभी भी डीएम के अकाउंट में ही है, शासन के अकाउंट में पैसा रहा और उसके बाद मुआवजा अन्य जगहों का बढ़ गया, 4 गुने हो गया और किसान जो है 3 गाँव का इस बात से बहुत त्रस्त है कि उनका मुआवजा बहुत कम रह गया, बाकी लोगों को ज़्यादा मुआवजा मिल गया। इस विषय को हम लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, उन्होंने जल संसाधन मंत्री जी से भी बात करी और उसके बाद कमिश्नर साहब ने डीएम साहब को हिदायत दी, डीएम साहब ने पूरा हिसाब बना के अब शासन को भेजा है उनके आदेश के लिए, क्योंकि इसमें वित्तीय निर्णय है और बहुत बड़ा निर्णय है और हम भी चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द हो और डीएम साहब हमारे साथ आए हैं सबको आश्वस्त कराने के लिए। मेरा अन्नदाता भूखा रहे ऐसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इस मौके पर विधायक संगीता चौहान के साथ डीएम बीके त्रिपाठी भी मौजूद रहे, लेकिन सोचने वाली बात है कि इतने वक्त पहले ली गई जमीनों का मुआवजा अभी तक किसानों के पास नहीं पहुंचा, फिर सरकार किस मुंह से खुद को किसानों का हिमायती बताती है।